वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू हल्ला बोल सीजन 2। आजकल बहनों को लोग मिस कॉल देके, अश्लील एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके बहुत परेशान करते थे। पहले हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली पहले जब ये होता था तो अगर आप पुलिस में कंप्लेन करते थे तो पुलिस कहती थी कि आपको पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करनी है, ऑब्वियसली कोई बैन नहीं जाएगी, वेरी नेचुरल। इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने एक नई सर्विस लॉन्च की जिसे कहते हैं छेड़ती ऑन फोन। ये सर्विस में हमने ऐसा किया है कि अगर आज के बाद आपको कोई भी अगर मिस कॉल करता है, व्हाट्सएप करता है, अश्लील एसएमएस करता है, तो आप प्लीज कंप्लेन करेंगे। कहां कंप्लेन करेंगे? 1091 पे। और ये सर्विस अहमदाबाद में अभी है। आप जैसे ही 1091 पे फोन करके बताएंगे कि भाई मुझे ये लड़का ये नंबर से मिस कॉल करता है, अश्लील एसएमएस, व्हाट्सएप, जो भी परेशान करता है, तो तुरंत हम आपकी कंप्लेन लेंगे, आपको नाम एड्रेस पूछेंगे। इतना हम आपको कमिट करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि आपकी ओलख गुप्त रखी जाएगी, यानी आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा आपकी कंप्लेन के बारे में। दूसरे प्रॉमिस करते हैं कि आपको हम कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे। और तीसरा कि आपको जैसे आप कंप्लेन करोगे आपको एक कंप्लेन नंबर मिलेगा जिससे आप आपकी कंप्लेन ट्रैक कर सकते हो। और जैसे ही आपको एक महीने तक आपकी कंप्लेन सॉल्व करने के बाद भी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट आपको हर अठवाड़े और 15 दिन में फोन करके पूछेगी कि आपकी कंप्लेंट को वापस रिजोल्व हुई है, वापस कोई इश्यू आया है। इस तरह आपको हम ये तीन कमिटमेंट देते हैं, लेकिन हम आपको कहते हैं कि आप प्लीज फोन करो, क्योंकि अगर पहले क्या होता था कि आप लोग अगर मान लो जिसके पास स्मार्टफोन है तो यूजर को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन आज की तारीख में कई लोगों के पास स्मार्टफोन जो नहीं है वो यूजर को या जो परेशान करता है उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो यूजर होता है उसको लगता है कि अरे वाह, हमको तो कोई कुछ कहता नहीं, हमको कोई पकड़ेगा नहीं। इसलिए अगर आप कंप्लेंट करोगे तो अब क्या होगा, आफ्टर योर कंप्लेंट हमारी पूरी मेल डिपार्टमेंट की टीम है, वो ये जो परेशान करता है उसको फोन करके उसको डांटेंगे, उसको कहेंगे कि भाई तू ये परेशानी बंद कर, कोई भी रीजन हो, हमें कोई लेना देना नहीं है किसी का लव अफेयर कौन सावर हो या कोई भी पुराना रिलेशन हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम उसको बोलेंगे कि भाई तेरे को किसी बहन को इस तरह परेशान नहीं करना है, अगर तेरे को जो प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट जाके सॉल्व कर, वरना हम तेरा क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड ब्लॉक कर देंगे, तेरी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तेरे सिम कार्ड टर्मिनेट हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। और इस तरह हम उसको रिजोल्व करेंगे ताकि आपको ये कंप्लेंट आपकी सॉल्व हो। अब आप लोग सोचोगे या जो ये जो करते हैं परपेट्रेटर्स अपराधी, वो सोचते हैं कि नॉर्मली इसको छोटा गुना, पुलिस के टर्म्स में ये छोटा गुना कहा जाता है, लेकिन जानबूझ के हमारी पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने ये इसलिए किया है क्योंकि जब ये छोटे गुने बड़े गुने में कन्वर्ट होते हैं, तो टू स्टॉप दिस छोटा गुना, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, कह रहे हैं कि इस तरह परेशान करेंगे कौन हमारा बिगाड़ सकेगा, लेकिन जैसे ही पुलिस का फोन जाता है उनको पता चलती है कि पुलिस इज सीरियस, क्योंकि अगर ये छोटे गुने नहीं दबा जाएंगे, वी कॉल इट निप इट इन द बड, अगर हम इसको निप इट इन द बड नहीं करेंगे तो ये बड़े गुने में कन्वर्ट होता है, जो फ्यूचर में स्टॉकिंग होता है, मोलेस्टिंग होता है, रेप होता है। सो अगर इसको यहीं से निप कर देते तो ये बड़े गुने नहीं होते। और इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कॉल 1091, लगाओ 1091, फाइट बैक राइट नाउ।